What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 7 फरवरी 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:13 हो रहे हैं। जैसे कि आज फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद निफ्टी इंडेक्स के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स आज के लिए हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी बजट हो चुका है, उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी भी हो चुकी है, तो अभी बाजार में जो वर्टिकल स्टीफनेस काफी मूव देखने को मिल रहा है, काफी स्टीफ मूव देखने को मिल रहा है, वो कम हो सकता है। थोड़ा सा स्लो मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी ये जो अपसाइड मूव आया है, एक बाउंस बैक आया है, ये रिकवरी फेज है। क्या ये अपसाइड में कन्वर्ट होगी? होगी तो इसको किस हर्डल को पहले ब्रेक करना होगा ये आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 6 फरवरी आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है कल का। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,105 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,040। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। शुरू में निफ्टी इंडेक्स ओपन ही हुआ, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था उसी के पास ये ओपन हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा जो सेकेंड टारगेट था इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और टुवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव हुआ। और 20 EMA का सपोर्ट लेने के बाद, आरबीआई के पॉलिसी बाहर आने के बाद, ये टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ और हमारा फर्स्ट टारगेट 12,126 और सेकेंड टारगेट 12,147 ये यहाँ पर अचीव हुआ। दो बार इसने एग्जैक्ट हमारा जो सेकेंड टारगेट था इसी के पास रेजिस्टेंस फेस किया। इस लेवल को काफी पेनेट्रेट कर रहा था, इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पा रहा था, बुल्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी कमजोर गिर रही थी और फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया। एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल का फिर से इसने सपोर्ट टेस्ट किया और ऊपर फिर से एक बार ये जो सेकेंड टारगेट है इसी के पास एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो काफी एक्यूरेट लेवल हमारा कल का ये भी साबित हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, एनालिसिस अच्छा लगा, तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। उससे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ZERODHA है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर, हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में मिल सकती है। आपको जस्ट करना क्या है, इन तीनों में से एक अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं अप्लाई हियर पे, तो एक फॉर्म ओपन होगा ZERODHA का। तो यहाँ पर आपके डिटेल्स एंटर करने हैं और ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। एक बार अकाउंट ओपन हो गया तो आपको हमें हमारे नंबर पे कॉल करके आपका क्लाइंट आईडी जो है वो इस नंबर पे कंफर्म करना है ताकि हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये था एक क्विकली छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल भी US मार्केट देखे तो हरे निशान के साथ बंद हुए, नाजडेक करीब 63 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी तेजी के साथ बंद हुए। अभी एशियाई बाजार देखे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जबरदस्त रिकवरी फेज जो आया था उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। डाउ फ्यूचर भी देखे तो 37 पॉइंट के इस समय गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो अभी मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे। यह है बैंक निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। अगर ये तकरीबन निफ्टी और बैंक निफ्टी एक सिमिलर पैटर्न में इसका चार्ट हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हमने ड्रॉ किया था, अगर आपने हमारा लास्ट फ्राइडे का वीडियो देखा होगा तो एग्जैक्ट ये 50 EMA के पास ये 61.8% का लेवल आ रहा था। इसने यहाँ से सपोर्ट लेके जबरदस्त एक बाउंस बैक, एक रिकवरी दिखाया है। तो अभी ऊपर में 31,422 के पास ये अभी हर्डल फेस कर सकता है। अगर पास्ट में देखे, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था इस लेवल के पास और ये यहाँ से करेक्ट हुआ था, तो अभी एग्जैक्ट इसी लेवल के पास बैंक निफ्टी इंडेक्स है। तो हो सकता है यहाँ पर अभी एक जबरदस्त अपसाइड मूव के बाद एक यहाँ पर हल्का सा एक हर्डल ये फेस करे, एक छोटा सा करेक्शन दिखाए और करेक्शन आने के बाद 20 EMA का ये सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हो। अप ट्रेंड के लिए हमेशा ये ऐसे मूव करना चाहिए, हायर बॉटम्स बनने चाहिए। तो अभी ये जो स्टीफनेस का मूव, काफी स्टीफ मूव है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद हो सकता है एक करेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार ऊपर की तरफ मूव करे। ये एनालिसिस है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो ऊपर 31,400 के पास एक रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल, अगर इसे ये कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 32,000 के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया था और ऊपर आते वक्त इसने फर्स्ट पॉज 32,000 के पास लिया था। साइकोलॉजिकल बैरियर भी है 32,000, तो यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा और अगर नीचे आता है तो करेक्शन के वक्त यहाँ पर 20 EMA एज अ सपोर्ट का काम कर सकता है जो कि 30,850 के पास है। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं एज पर वीकली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। तो डेली चार्ट भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी 3 व्हाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका था। तो अभी यहाँ पर भी ये एग्जैक्ट जहाँ पर ये बोरिंग एक कैंडल बना था कुछ दिनों पहले, एग्जैक्ट उसी की तरह ये भी कैंडल बना हुआ है। तो लगातार 4 दिन के तेजी के बाद एक करेक्शन आ सकता है, जैसे ग्लोबल मार्केट्स में अभी एशियाई बाजार का हम हाल देख रहे हैं। तो अगर ये टूवर्ड्स यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो एज पर डेली चार्ट ये जो 100 EMA का ग्रे लाइन है आप देख सकते हैं, इस लेवल के पास काफ़ी देर तक इसने टाइम गुजारा है अभी कुछ दिनों पहले। तो हो सकता है ये 100 EMA अराउंड 30,800 के पास है। हमने देखा वीकली चार्ट में 20 EMA भी 30,800 के पास आ रहा था, तो अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो ये मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इस लेवल को अगर सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक होता है और ये फिर जो स्विंग हाई बनेगा इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज 30,800 फिर से अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये एनालिसिस है, इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ से अप ट्रेंड के लिए यहाँ पर कंफर्मेशन हमें मिल सकता है। तो फिलहाल अभी यह डेली और वीकली चार्ट का एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी में भी अगर हम देखें तो यहाँ से वीकली चार्ट में जबरदस्त बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। आज लास्ट ट्रेड सेशन है इस वीक का, तो यहाँ पर देखना होगा ये 12,100 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर नीचे आके ये क्लोज होता है। नीचे आके क्लोज होता है तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा जो कि डाउन ट्रेंड का पैटर्न होता है। हमें इस लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक का हाई को ब्रेक करना है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही यहाँ से निफ्टी इंडेक्स में लगातार अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकता है अगर ये बियरिश कैंडलस्टिक के हाई को ब्रेक करता है तो। फिलहाल अभी ये 20 EMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो डेली चार्ट में चलते हैं, डेली चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है वो देखते हैं। यह डेली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का 30 का ये जो ओवरसोल्ड का लेवल था हमने एनालिसिस किया था कुछ दिन पहले, यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है जैसे पास्ट में यहाँ पर 30 के लेवल के पास से बाउंस बैक दिखाई देता है, सेम अभी यहाँ पर भी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 30 का लेवल ओवरसोल्ड जोन माना जाता है, यहाँ पर आने के बाद एक्सट्रीम ओवरसोल्ड भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 30 के लेवल के आने के पास ये बाउंस बैक ही दिखाता है। तो यहाँ पर हमने अभी देखा है कि 3 व्हाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बना है यहाँ पर जो कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये 20 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है अभी, ये और एक पॉजिटिव साइन है। फिर से कल एक बोरिंग कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो चुका है और इसी लेवल के पास कुछ दिनों पहले भी एक बोरिंग कैंडल फॉर्म हुआ था, सेम जैसे बैंक निफ्टी
के चार्ट में हमने देखा था, अभी एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ये फिर से एक बार बोरिंग कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। तो लास्ट टाइम जब ऐसा फॉर्मेशन हुआ था तभी ये कंटिन्यूस यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में ये फॉर्म हुआ था, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो अभी ये ऊपर की तरफ ये आया है, ऊपर की तरफ जब ये निफ्टी इंडेक्स मूव कर रहा है तभी ये बोरिंग कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो हो सकता है एक करेक्शन आ सकता है, तो ये जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ किया था कुछ दिनों पहले, तो अभी हो सकता है यहाँ पर ये सपोर्ट फिर से एक बार टेस्ट करके ऊपर की तरफ ये मूव करे। तो अगर इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है फिर से, यानी 20 और 50 एमए के नीचे चला जाएगा इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर से एक टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये जो बजट आया है, आरबीआई की पॉलिसी आया है, उसके बाद मार्केट काफ़ी, कंपनीज काफ़ी खुश है, वो आगे की क्वार्टर के बिजनेस के बारे में सोच रहे, तो इसके लिए काफ़ी उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन जो मार्केट के लिए एलटीसीजी टैक्स था उसके बारे में कोई भी बात फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं कही है। तो अभी ये दो इवेंट ख़त्म हो चुके हैं, तो ये जो ज़बरदस्त स्टिफनेस है मूव में हमें देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा स्लो हो सकता है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल अगर ऊपर जाना है तो इसे ये जो स्विंग हाई बनेगा यहाँ पर, इसे अगर ये कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो ही ओवरनाइट हम यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। कल जैसे कि बोरिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पर आर्ली चार्ट में आप क्लियर देख सकते हैं एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो ऊपर कल का जो हाई था इसके ऊपर R1 का ये पिवट पॉइंट का लेवल है, तो ये हमारा आज के लिए हो सकता है ब्रेकआउट लेवल। इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर आज बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा होगा आज के लिए ब्रेकआउट लेवल। तो हमारा उसके बाद फर्स्ट टारगेट होगा 12,187, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R2 का लेवल जो कि 12,203 के पास है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो कल का लो है इसी के पास S1 का ये पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, यानी 12,082 के नीचे अगर ये चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। तो ये हमारा होगा आज के लिए ब्रेक डाउन लेवल, हम इसे मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेक डाउन लेवल। और तभी हमारा आज के लिए फर्स्ट टारगेट होगा 12,061, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,034, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।